नमस्कार, अतिश बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। बिहार में सरकार का गठन हुआ है और पहला विधानसभा सत्र भी चल रहा है। कल का दिन बहुत अहम रहा। कारण था कि कई नेताओं ने अपना आपा खोया। विधानसभा में हमने तमाम वो दृश्य, तमाम वो तस्वीरें देखी। विधान परिषद की बात करेंगे, जहां पर राबड़ी देवी और सुशील कुमार मोदी में भी एक भयंकर झड़प हुई थी। वो झड़प इसलिए हुई थी क्योंकि राबड़ी देवी ने सुशील कुमार मोदी पर यह आरोप लगा दिया कि पिछले 15 सालों में जितने दिनों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, करप्शन किए हैं। और लोदीपुर जो इलाका है, जो कि सुशील मोदी का इलाका है, पटना में पड़ता है, वहां पर 250 से 300 घर हैं सुशील कुमार मोदी के, जिसमें सुशील कुमार मोदी ने अपना आपा खो दिया। और उन्होंने राबड़ी देवी से कहा कि अगर एक इंच जमीन भी उनके नाम पर होगी तो वो उसी समय इस्तीफा दे देंगे। आगे सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि रेलवे टेंडर घोटाला में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। यह आरोप दोनों पर गंभीर है, दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी की 750 करोड़ की मॉल गोला रोड के पास बनाया जा रहा था, जो सीबीआई और ईडी ने जब्त कर लिया। नैतिकता है तो तेजस्वी यादव को विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा कि गोला रोड में एक बड़ा सा मॉल बन रहा था, एक मेगा प्रोजेक्ट था 750 करोड़ रुपए का, जिसे सीबीआई और ईडी के द्वारा बंद करा दिया गया। उसमें तेजस्वी यादव और पूरे लालू प्रसाद यादव के परिवार का नाम सामने आ रहा था, उसे फिर से याद दिलवाया गया सुशील कुमार मोदी के द्वारा। राबड़ी देवी इतने पर ही चुप नहीं हुई। उन्होंने मुकेश सहनी की तरफ इशारों में यह भी कहा कि जो नेता जीत नहीं सकता वो मंत्री कैसे बन सकता है। आपको बताया कि मुकेश सहनी जो है वो बिहार सरकार में फिलहाल कृषि और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताया कि मुकेश सहनी ने इसका कोई जवाब तो नहीं दिया, पर राबड़ी देवी कल बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखी। सिर्फ राबड़ी देवी ही नहीं, अगर विधानसभा की हम बात करें तो नीतीश कुमार ने भी अपना आपा खो दिया, जब तेजस्वी यादव बार बार उनके ऊपर मर्डर का जो केस उनके ऊपर चल रहा है उसका जिक्र कर रहे थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ये याद दिलाया कि 90 के दौर में जब लालू प्रसाद यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, उसमें विधायक दल का नेता का चयन जो हो रहा था वो नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव का किया था। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रहे बिहार के, उनको भी बनाने में नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं तो सभी कुछ क्लैरिफाई कर देते हैं। फैक्चुअली वो गलत नहीं थे, पर जिस तरीके से उनका गुस्सा फूटा, वो अपना आपा खोए, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। तेजस्वी यादव इस पर कुछ पलटवार नहीं किए, पर मनोज झा ने ये बात साफ कहा कि विधानसभा के नियमों का उल्लंघन हुआ है। विधानसभा सत्र चल रहा है, हर अपडेट आप तक तेजस्वी बिहार पहुंचा रहा है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।